गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को समझ आ रहा होगा टाइटल से किस चीज़ के बारे में। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं एक व्लॉग शूट करूँ और वो भी इसके बारे में कि हम लोगों का स्प्रिंग का जो सीज़न है उसके बारे में मैं अपना एक व्लॉग शूट करूँ। तो आज मैंने मतलब ये डिसीजन लिया कि मैं ये व्लॉग शूट करूं। वैसे स्प्रिंग का तो एक वीक हो गया कि स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले तो मार्च में मतलब सिर्फ ये एप्रिकॉट वाले वो करते हैं, पहला जब स्टार्ट होता है फूल पकड़ते हैं, फिर अप्रैल में ये सेब वाले जो रियल स्प्रिंग होता है जावी का, तो ये सेब वाले और फूल बाकी सब कुछ तब निकलते हैं। तो ये देखो कितना खूबसूरत ये लग रहा है और ये फूल देखो गिर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, भी ये गिरने वाले हैं ना क्योंकि इनका टाइम हो गया अभी। आहिस्ता आहिस्ता वो तितलियाँ इस पर घूम रही है, शहद की मक्खियाँ सब कुछ इतना खूबसूरत है और स्मेल इसका बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब अंदर निकले तो मतलब अभी सुबह नहीं, खैर 10 बजे मैं निकला हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी उठ जाऊं आप लोगों के लिए सुबह एक व्लॉग बनाऊं, उसमें परिंदों की आवाज़ें आएंगे ये करेंगे। बहुत दिनों से ट्राई किया लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा जल्दी उठा और मोबाइल में चार्ज नहीं तो वो चार्ज किया। अभी जाके मैंने कहा चलो अभी बैठा है और मौसम भी आज बादल एक खूबसूरत है, थोड़ा सा मतलब इसमें कैमरा शूट अच्छा आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ जाएगा। ये वही रास्ता है जो मैंने बर्बारी में व्लॉग में इस पर शूट किया था। अभी देखो किस तरह लग रहा है बर्बारी में, किस तरह लग रहा है। ये खुदा की नेचर है देखो, मतलब जो भी चाहता है वही करता है। और देखो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से भी मैं आपको विलेज दिखाऊंगा कि मतलब कैसे लग रहा है सिंजावी। बर्फबारी में तो आप लोगों ने देखा था कि हाँ किस तरह लग रहा था। ये देखो मुझे क्या मिले, छोटे बच्चे यहाँ पे ये अप्रिकॉट वो कर रहे थे, वो बच्ची शर्मा रही है, ये अप्रिकॉट तोड़ रहे थे ये अभी, क्योंकि ये नमक के साथ बहुत टेस्टी होता है। उनके लिए ये थोड़ रहा हूँ, कह रहे कि भाई आप मेरे लिए थोड़ दो। और ये हम लोगों को शैतान बिलाल है, ये भी इधर बैठा हुआ है और ये देखो इस तरह लग रहा है कुछ। देखो कुछ इस तरह लग रहा है, पहाड़ जो होते हैं बलूचिस्तान के वो इस पर ना कोई दरख्त कोई चीज़ अक्सर पहाड़ों पे नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ इस तरह होते जिस पे जंगल लगा हो, जिससे ज़ियारत का हो गया कुछ और है जो मुझे इतना नहीं पता, ज़ियारत से मुझे पता है। और आप ये देखो गांव किस तरह है, सारे फूल फूल और सब सब लोगों के लिए बहुत से ब्लॉग बनाना चाहता था। मैंने कहा ताकि अपने व्यूवर्स के लिए मतलब अभी मैं कम से कम 2 ब्लॉग में बनाया करूं तो मंथ के मतलब कुछ 8 ही हो जाते हैं। तो मैंने ये सब कुछ कंटेंट भी मेरे पास थे तो ये कोरोना जब आ गया ना तो सारा मतलब वो डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो आप मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इसी वक्त में भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट है अभी भी इतना वो नहीं है। ये है मैं अभी इधर आ गया, अभी हम लोग पबजी खेलते हैं, हम लोग पबजी का अड्डा कुछ इस तरह। तो ये देखो मेरा डिवाइस चार्ज में लगा हुआ है कुछ इस तरह, और ये मेरा भाई पबजी खेल रहा है। चलो पबजी खेलते हैं उसके बाद मिलते हैं। और ये मेरे साथ अभी पारो जा रहा है।
हाँ द फिश। ये देखो उधर वो बेड बकरियाँ वो चढ़ रहे हैं दुम्बे वगैरह इस तरह। और ये देखो ये दरख्त जो कि खुश्क हुआ है और इसने अपनी दो उंगलियाँ इस तरह पकड़ी हुई है शाख, और ये कह रहा है कि हम लोग कोरोना से विक्ट्री हासिल करेंगे। और ये देखो ये विक्ट्री का सिंबल है इसका, ये वाला, ये इस तरह जो है। अभी हम लोग इस तरह आ रहे हैं सेब के दरख्त की तरफ। ये रास्ता जो पीछे देख रहा है अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगा कि ये किस तरह। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।